आइए शुरू करते हैं अपना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर, एंड दैट इज ग्रेविटेशन। तो शुरू करते हैं बेटा इसके इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में क्या है भाई, हमने कुछ चीज़ें बेटा बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। क्या पढ़ा है बेटा हमने कि न्यूटन भाई साहब एक एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, मस्त इंजॉय कर रहे थे, है नहीं। और क्या हुआ बेटा, इनके पास आकर, आजा भाई, सेल डाउन हो गए क्या बेटा, इनके पास ऊपर से एक आकर नीचे एप्पल गिरा, और बेटा ये सोच में पड़ गए कि ये एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, ये एप्पल लेफ्ट साइड में क्यों नहीं चला गया, ये एप्पल राइट साइड में क्यों नहीं चला गया, ये एप्पल बेटा ऊपर क्यों नहीं चला गया, ये आकर बेटा यहीं पर क्यों गिरा, मतलब नीचे ही क्यों गिरा। और बेटा इस बात में ये सोच में पड़ गए कि भाई यह क्या चक्कर है भाई कि ये नीचे ही क्यों गिरा, भाई लेफ्ट में भी तो जा सकता था, राइट में भी जा सकता था और ऊपर भी जा सकता था। और ये सोच में पड़ गए और इन्होंने क्या बना दिया बेटा, चैप्टर बना दिया, कौन सा, ग्रेविटेशन। कुछ बच्चे तो बेटा क्या करते हैं, दुआ करते हैं कि काश ये एप्पल इनके सर पे गिर जाता, तो भाई न्यूटन भाई साहब चले जाते मस्त वादियों में और हम क्या हो जाते, खुश हो जाते, है बात ये नहीं, चाहते तो यही थे हम, एक चैप्टर फिजिक्स का क्या हो जाता बेटा, कम हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं होता है, जो अच्छा होता है वही होता है बेटा। इन्होंने क्या किया बेटा, हमें डिस्कवरी करके बताया ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, ठीक है। क्या है बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके बारे में आज हम बात करेंगे बेटा। सबसे पहले हम समझेंगे ग्रेविटेशन और ग्रेविटी बेसिकली एक ही चीज़ है, कुछ अलग अलग चीज़ें नहीं। तो अगर मैं ग्रेविटी बोलूँगा या ग्रेविटेशन बोलूँगा सेम ही चीज़ है, क्या इतनी बात समझ में आ रही है। तो ज़रा देखिए, सबसे पहले शुरू करते हैं इसकी डेफिनेशन से और फिर इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करते चले आएंगे। एक मिनट रुक जाओ बेटा। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें बेटा डिस्कस करते चले आएंगे। जरा देखिए, वो कह रहे हैं द फिनोमिना ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। बेटा हमें क्या लगता है, हमें ये लगता है कि भाई हर एक चीज अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती है और इसी फोर्स को बेटा हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, बिल्कुल तो नहीं लेकिन ऐसा नहीं है। रीजन बेटा कुछ और है। क्या है रीजन जरा समझिएगा। वो आपसे ये कह रहे हैं कि दुनिया में कोई भी दो चीज़ें, कोई भी, मान लीजिए ये है ए और ये है बी, ये दोनों चीज़ें दुनिया में कोई भी दो चीज़ें आपस में क्या करती हैं बेटा, अट्रैक्ट करती हैं। जैसे कि मैं और डिजिटल पैनल भी आपस में क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो सर ऐसे क्यों नहीं, ऐसे पर क्यों नहीं रहे यहाँ पर आप, हैं ये कैमरा और मैं भी आपस में क्या कर रहे हैं बेटा, अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप और मैं भी बेटा क्या कर रहे हैं, आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं। दुनिया में कोई भी दो चीज़ें हैं वो आपस में बेटा क्या कर रही हैं, अट्रैक्ट कर रही हैं टूवर्ड्स ईच अदर। और इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बेटा हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ग्रेविटेशन। तो सर ये नीचे ही क्यों आता है एप्पल, उसके बारे में भी अभी बात करेंगे, जरा समझिएगा। और ये जो लॉ है बेटा वो टेरेस्ट्रियल, मतलब कि या तो अर्थ के ऊपर कोई चीज़ रखी हुई है या अर्थ से बाहर स्पेस में है, ये हर जगह पर बेटा क्या है, सेम है। ग्रेविटेशनल फोर्स हर जगह पर सेम है। अभी भाई आपने सुनी है चंद्रयान 3 लैंड किया जाकर किसके ऊपर, मून के ऊपर, बेटा वहाँ पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। अगर बेटा वहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपस में ना होती तो थोड़ी देर के बाद चंद्रयान इधर उधर घूमना शुरू कर देता। क्या बात समझ में आ रही है। तो उसने अभी भी लैंड किया हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ में आ रही बात या नहीं। अच्छा, तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अर्थ के ऊपर और अर्थ के बाहर स्पेस में भी अप्लाई होता है। ठीक है, आगे बढ़े। और यही वजह है कि बेटा हमारे सन के चारों तरफ ये प्लैनेट्स बेटा क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं इस तरीके से, और ये फिर से घूमकर बेटा इधर आते हैं। ये क्यों बेटा घूमते रहते हैं इसके पीछे, क्योंकि बेटा ये सन क्या कर रहा है, सन और इन प्लैनेट्स के बीच में क्या है बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये सन इधर अट्रैक्ट होना चाह रहा है और ये प्लैनेट्स इधर।
अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना होती या ग्रेविटेशनल फोर्स ना होती तो बेटा ये सोलर सिस्टम कभी बनता ही नहीं। ये अर्थ जाके घूम रहा होता इधर, जुपिटर आ जाता इधर, और ये मस्त अपनी दुनिया में इधर उधर जाते, तो ना ही सन होता और ना ही हमारी जिंदगी, ये हमारी जो लाइफ है वो पॉसिबल होती। क्या बात समझ में आ रही? तो बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये एवरी टू ऑब्जेक्ट्स के बीच में अप्लाई होती है। ठीक है, अब ज़रा देखिएगा, ये आपने देखा है कुछ चीज़ें, बेटा बता रहा हूँ इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। आपने कभी ऑब्जर्व किया जो लीव्स हैं, जो पत्तियां हैं, वो हमेशा नीचे ही गिरती हैं। किस तरफ गिरती हैं बेटा? नीचे ही गिरती हैं। ऐसे ही बेटा जो वाटरफॉल है वो कभी भी ऐसे नहीं जाएगा या ऐसे नहीं जाएगा, जैसे एप्पल वाला भी केस था, वाटरफॉल जब भी होगा वो नीचे की तरफ ही होगा। ठीक है, आगे ज़रा देखिए, जैसे कि जब भी बॉल आप कितनी भी जोर से हिट कर दो, कितनी भी जोर से, लेकिन बेटा बॉल घूमकर नीचे ही आएगी। ठीक है, इसके बाद अगर आप किसी बिल्डिंग से कूद भी जाओ, सुइसाइड पॉइंट से, ऐसा नहीं करना भाई, मजाक कर रहा हूँ, मतलब अगर हम कहीं से जंप भी करते हैं बिल्डिंग वगैरह से, छोटी मोटी जगह से, तब भी बेटा हम किधर जाते हैं? नीचे की तरफ ही फॉल करते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? उसके पीछे बेटा रीज़न है, ज़रा ध्यान दीजिए। क्या आपको हमारा यहाँ पर प्यारा सा, सबसे प्यारा हिंदुस्तान नज़र आ रहा है? इंडिया नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा है? अरे अरे समझ जाओ, मतलब बेटा ज़रा ध्यान दीजिए, इसकी पोजीशन पे ध्यान दीजिए, इसका सेंटर कहाँ होगा? यहाँ कहीं बीच में इस पूरे अर्थ का। और जो बेटा वाटरफॉल होते हैं वो कहाँ होते हैं? हिल स्टेशन पे। और बेटा जब वाटरफॉल होगा तो इस सेंटर की तरफ ही आएगा, क्योंकि बेटा एवरी ऑब्जेक्ट बेटा अट्रैक्ट कर रही है इस सेंटर की तरफ, इस पूरे अर्थ का जहाँ पर सेंटर होगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये हमेशा नीचे की तरफ, जितनी भी बेटा रिवर्स होती हैं वो भी फ्लो करके कहाँ आती हैं बेटा? समंदर में आती हैं। कभी भी समंदर से पानी ऊपर नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि ये वाला एरिया बेटा नीचे है, तो चीज़ें ऊपर से अट्रैक्ट करके नीचे की तरफ आएंगी, टूवर्ड्स दी सेंटर ऑफ दी अर्थ। क्या बात समझ में आ रही है? अब बात ये आती है कि भाई एक बात बताओ, बॉल है यहाँ पर, मैंने अगर बॉल छोड़ी, ये भाई इसमें ऐसा क्या एटीट्यूड है अर्थ में जो यहीं पर रुका रहता है? बॉल को ही बेचारे को नीचे आना पड़ता है। ये कभी ये अर्थ भी ऊपर शिफ्ट हो जाए, बॉल के पास चला जाए भाई, कभी तो एटीट्यूड नीचे कम करे, लेकिन कभी भी एटीट्यूड अपना कम नहीं करता है। क्यों नहीं करता? क्योंकि जो बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिपेंड करती है मास के ऊपर। अर्थ का बेटा मास बहुत ज़्यादा है, जो लीव्स हैं उनका मास भी बहुत कम है, जो वाटर है उसका मास भी बहुत कम है, जो बॉल है, जो इंसान है, इन सभी का मास बहुत कम है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें बेटा अर्थ की तरफ अट्रैक्ट करती हैं, ना कि अर्थ। इसका बेस्ट एग्जांपल आप बेटा एक मैग्नेट ले लीजिए। क्या कीजिए बेटा? मैग्नेट। अगर मैं छोटा सा कोई आयरन का पीस रख दूँ तो बेटा इसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा या नहीं करेगा? हाँ जी, अगर मैं इससे थोड़ा सा बड़ा पीस ले लूँ तब भी अट्रैक्ट करेगा, लेकिन अगर मैं कोई बड़ा सा आयरन का पीस ले लूँ, इस केस में बेटा क्या होगा? ये मैग्नेट इसकी तरफ अट्रैक्ट कर जाएगी। तो बेसिकली जिसका मास ज़्यादा है वो ज़्यादा फोर्स अप्लाई करता है, जिसकी वजह से जिसका मास ज़्यादा होता है वो ऑब्जेक्ट उसी की तरफ मूव कर जाता है। और यही वजह है बेटा यहाँ पर तो सबसे बड़ा क्या है हमारा? अर्थ है। तो सारी की सारी चीज़ें अर्थ की तरफ ही मूव करती हैं, वो भी सेंटर ऑफ दी अर्थ की तरफ मूव करती हैं। बताइए कोई दिक्कत? समझ में आ रही है? हाँ जी, देखो चाचा, जैसे मैंने मैग्नेट ली, ये छोटे से पीसेस हैं। अब बेटा समझो इधर, ये मैंने एक आयरन का पीस लिया, ये आयरन का पीस बेटा इधर अट्रैक्ट हो जाएगा या नहीं आ जाएगा? आके भाई यहाँ पे चिपक जाएगा है। फिर मैंने क्या किया, इस आयरन को पीस को थोड़ा सा दूर रखा, ये बेटा फिर से आ जाएगा। फिर बेटा क्या होगा, मैंने और दूर रखा, ये फिर आ जाएगा। फिर बेटा क्या होगा, एक वो केस आएगा जहाँ बस ये हिलेगा ना, ये इधर जाएगा ना ही ये इधर आएगा, ये बस ऐसे वाइब्रेट करेगा। अगर बेटा इस केस में इसको धक्का दे दूं तो बेटा ये क्या करने लगेगा, चारों तरफ रिवॉल्व करने लगेगा। ठीक है, बेसिकली क्या हुआ जरा समझिएगा, मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि यहां तक ये मैग्नेट इसके ऊपर फोर्स लगा रही है, फिर यहां तक भी ये मैग्नेट इसके ऊपर फोर्स लगा रही है, यहां तक भी मैग्नेट फोर्स लगा रही है, यहां पर सिर्फ वाइब्रेट कर रहा है, ये अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है।
ऐसे ही बेटा यहां कहीं पे आ रखोगे हर जगह से बेटा ये क्या कर लेगा अट्रैक्ट। लेकिन अगर इस पे मूव करोगे तो बेटा ये सिर्फ वाइब्रेट करेगा, और अगर मैंने यहां पे इसको धक्का दे दिया तो बेटा ये क्या करना शुरू हो जाएगा, रिवॉल्व। अब आप ये घर पे करोगे जाके तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बेटा अर्थ जो है वो स्पिन को अपनी तरफ खींच लेगा, लेकिन स्पेस में ऐसा कुछ भी नहीं है, और जो प्लैनेट्स हैं वो बेटा यहां पर हैं, और जब उनको ऐसे मूव कर दिया गया है तो अब वो क्या कर रहे हैं बेटा, रिवॉल्व करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ जी, इसकी वजह से बेटा जो प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं। लेकिन अगर बेटा मैंने इससे दूर रख दिया, अब बेटा इसके ऊपर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब इस मैग्नेट की भी एक रेंज है जहां तक ये फोर्स अप्लाई कर सकता है। अगर उससे बाहर निकल गया तो बेटा फिर ये फोर्स अप्लाई नहीं करेगा। तो बेटा इसका जो दायरा है, इसकी जो फील्ड है जिसमें ये फोर्स अप्लाई कर पा रही है, इसको बेटा हम मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब वो दायरा, वो स्पेस, वो एरिया जहां पर ये मैग्नेट फोर्स अप्लाई कर सकती है। इसी तरीके से होती है बेटा ग्रेविटेशनल फील्ड। सुन लो बेटा ध्यान से, इसी तरीके से होती है ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल फील्ड। जैसे कि आपने सुना होगा ना कि अगर आप स्पेस में चले गए तो आप दोबारा अर्थ पे नहीं आओगे। क्यों? क्योंकि बेटा हमारा अर्थ भी एक एरिया में ही फोर्स अप्लाई कर सकता है। अगर उस एरिया से बाहर निकल गए तो ये बेटा स्पेस आ जाता है। ये हमारा पूरा अर्थ है, ये फील्ड है जिसके अंदर अगर आप हुए तो बेटा आप दोबारा से किस पे गिर जाओगे? आके अर्थ पे। लेकिन अगर आप इससे बाहर निकल गए तो बेटा दोबारा आप अर्थ पे नहीं आओगे, अनटिल एंड अनलेस कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के आपको वापस ना लाया जाए। समझ में आ रही बात है? नहीं तो जो सैटेलाइट्स होती हैं, अभी उसका एग्जांपल दूंगा, चलो आगे बढ़ते हैं, इसका एग्जांपल दूंगा। तो बेटा ये जो फील्ड है, ऐसे ही हमारे अर्थ पे भी ये वाला फील्ड अप्लाई होता है। ये फील्ड बेटा है नहीं, वैसे मैंने एक डायग्राम ले लिया है। अगर आप इस दायरे में कहीं पर हुए तब तो ये अर्थ आपको अपनी तरफ खींच लेगा, ये ग्रेविटेशनल फील्ड है। अगर आप इससे बाहर चले गए तो फिर आप स्पेस में घूमोगे, कोई लेना देना नहीं है। तो बेटा जो आपकी सैटेलाइट्स वगैरह होती हैं उनको इतने फोर्स से यहाँ पर छोड़ा जाता है और रिवॉल्व कर दिया जाता है कि बेटा फिर वो सन के या फिर हमारे मून के या हमारे अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? अगर इससे बाहर चले गए तो बेटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर तो ये चला गया। और अगर इससे पहले हमारा रॉकेट या हमारा सैटेलाइट रह गया तो बेटा वो दोबारा से आके किस पे गिर जाएगा? अर्थ पे गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि बेटा ये लगा रहा है फोर्स। क्या बात समझ में आ रही है? और बेटा यही वजह है कि जब आप स्पेस में जाते हो, आ गए स्पेस में, जब बेटा आप स्पेस में जाते हो तो आपके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रही होती है। अगर आपने कभी वीडियो वगैरह कुछ देखी हो तो आराम से ऐसे मूव करते रहते हैं, अगर आपने हल्का सा भी उसको पुश कर दिया तो वो चलता चला जाए, चाहे कितना भी बड़ा बॉडी बिल्डर क्यों ना हो। अगर मैंने इसको ऐसे धक्का दे दिया ना आराम से, तो ऐसे पीछे चलता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रही है। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, तो यहां से हमने क्या सीखा बेटा? नोट करने वाली बात क्या है जरा समझिएगा। नोट करने वाली बात यह है, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज ऑलवेज अट्रैक्शन। बेटा अट्रैक्शन है। हमने देखा जो लीव्स हैं वो भी अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं, जो वाटर था वो भी अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, जो बॉल थी वो भी अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। तो बेसिकली जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कैसी फोर्स है बेटा? अट्रैक्शन वाली फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये अट्रैक्टिव फोर्स है, कभी भी रिपेल नहीं करेगी, रिपल्शन वाली फोर्स नहीं। रिपल्शन वाली क्या होती है बेटा? अगर आप टू मैग्नेट्स को लाके रख दो भाई, नॉर्थ नॉर्थ पोल को साथ में ले आओ, तो बेटा ये क्या करते हैं बेटा? रिपेल करते ही नहीं करते, दूर भागते ही नहीं भागते हैं। तो बेटा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कैसी है? अट्रैक्टिव फोर्स है, ना ही रिपल्सिव। समझ में आ रही बात या नहीं? दूसरा पॉइंट बेटा, इट इज नेवर रिपल्सिव फोर्स, कभी भी बेटा रिपल्सिव नहीं होगी, दूर नहीं भागे, हमेशा क्या करेगी? अट्रैक्ट। अगर आप उसकी रेंज से बाहर निकल गए तो बेटा वो फोर्स ही नहीं लगाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपके ऊपर वो क्या करे? रिपेल लगा करे, कभी भी दूर नहीं भगाएगी। क्या बात समझ में आ रही है? एनी प्रॉब्लम? हाँ जी बेटा आगे आ जाओ। सेंट्रिपिटल फोर्स, ये बेटा हमने पहले भी पढ़ा है, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन और सेंट्रिपिटल फोर्स। दोबारा से इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। समझिए जरा,
मान लीजिए मैंने क्या किया, एक धागा लिया और इसमें कोई चीज बांध दी ऐसे। अब बेटा अगर आप इसको घुमाओगे तो ये एक सर्कुलर पाथ में घूमेगी। कैसे घूमेगी बेटा? सर्कुलर पाथ में घूमेगी, हमेशा ऐसे घुमा के देख लेना। और अगर आपने इसको छोड़ दिया तो बेटा ये कैसे जाएगी? परपेंडिकुलरली मूव करेगी। कैसे मूव करेगी? हमेशा परपेंडिकुलरली। अगर आपने इसको लाकर यहां पर छोड़ा तो बेटा ये किधर मूव करेगी? इधर मूव करेगी। मतलब इस वाली जो रेडियस, ये सर्कल की क्या है बेटा? रेडियस ही तो है। ये भी क्या है? रेडियस। ये भी क्या है? रेडियस। ये भी क्या है? रेडियस। ये भी क्या है बेटा? रेडियस। तो बेटा आप जब भी, अगर आपने यहां पे छोड़ा तो परपेंडिकुलरली ऐसे चले जाएगी ये पत्थर इस धागे के साथ में। अगर आपने बेटा घुमा के यहां पर छोड़ा तो बेटा यहां से मूव करे, ऐसे नहीं घूमेगा ये क्या करेगा बेटा? यहां से सीधा चला जाएगा, मतलब परपेंडिकुलरली। ऐसे ही बेटा यहां पर, ऐसे ही यहां पर, और ऐसे ही यहां पर। तो इसका मतलब यह है कि यह पत्थर जो है वो तो यहां से जाना चाहता है, यहां से जाना चाहता है, यहां से जाना चाहता है, लेकिन बेटा नहीं जा पा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे हाथ की तरफ एक फोर्स लग रही है। जब भी कोई चीज सर्कुलर पाथ पे मूव करती है तो बेटा सेंटर की तरफ एक फोर्स लगती है, एंड इस सेंटर की तरफ लगने वाली फोर्स का नाम क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। ऐसा बेटा आपको हर जगह देखने को मिलेगा। कभी भी बाइक से आप किसी फ्लाईओवर पे गए जो सर्कुलर हो, जो ऐसे मूव कर रहा हो, तो बेटा आप बाइक से जाओगे तो ऐसे मुड़ जाओगे। क्यों? क्योंकि बेटा आपकी बाइक के ऊपर एक फोर्स लग रही है जो कि है टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ दिस सर्कल, और इस सेंटर की तरफ लगने वाली फोर्स का क्या नाम है बेटा? सेंट्रीपिटल फोर्स। बताइए कोई दिक्कत? और जब आप घुमाओगे तो वो फोर्स आप अपने हाथ पे फील भी कर पाओगे कि यहां पर प्रेशर ज्यादा लग रहा है। समझ में आ रही बात या नहीं? आइए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहले डेफिनेशन देखते हैं और फिर एग्जांपल्स देखेंगे। जरा ध्यान दीजिए, द फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, मूव करते हुए ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगती है विद वेरिएबल वेलोसिटी। बेटा जैसे जैसे वो मूव करे वो कंटिन्यूअसली उसकी वेलोसिटी क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है, ठीक है। और एक्सेलरेटेड मोशन टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो बेटा जब भी आप मूव करोगे सर्कुलर पाथ पे तो एक बॉडी जो है कंटिन्यूअसली अपनी बॉडी की वेलोसिटी को चेंज करता रहेगा। क्यों? क्योंकि बेटा डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और जैसे जैसे बेटा डायरेक्शन चेंज होता है वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है, वैसे वैसे बेटा वेलोसिटी चेंज होती है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी का बेटा फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो जब डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा तो वेलोसिटी भी चेंज होगी। तो जब कोई सर्कुलर पाथ पे ऑब्जेक्ट मूव करता है तो बेटा सेंटर की तरफ एक फोर्स लगती है, उस फोर्स का नाम क्या है बेटा? सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा, द फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विद वेरिएबल वेलोसिटी और एक्सेलरेटेड मोशन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। बेटा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? अर्थ। अगर कोई अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, जैसे कि मून करता है अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व, तो इस मून के ऊपर भी एक फोर्स लगती है, और उस फोर्स का बेटा क्या नाम है? सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स या फिर सेंटर सीकिंग फोर्स, मतलब सेंटर की तरफ लगने वाली फोर्स। बताइए कोई दिक्कत? सेंट्रीपिटल फोर्स क्लियर? हाँ जी। बेटा मास पे भी तो डिपेंड करेगा, मास कितना बड़ा है, ठीक है, मास से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है। अभी आगे पढ़ेंगे उसके बारे में, ऐसा नहीं है बेटा इसकी। हाँ जी, क्या चल जा रही है? तो बेटा थोड़ा सा नेटवर्क इशू होगा, वैसे मैंने वाईफाई को तो पास में रख लिया है। चलो ध्यान दो बेटा इधर, यही वजह है कि बेटा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एटम के चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर भी एक फोर्स लग रही है। आपने पढ़ा है ना एटम के बारे में थोड़ा बहुत, जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा। बीच में होती है बेटा न्यूक्लियस, और इसके चारों तरफ कौन रिवॉल्व करते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन्स। तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स लगती रहती है, और उस फोर्स का नाम भी क्या है बेटा? सेंट्रीपिटल फोर्स। ऑब्वियसली ये नेगेटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगी, ठीक है। कोई बात नहीं, आगे पढ़ोगे अगर अभी नहीं पढ़ा है, ठीक है। यही वजह है कि बेटा मान लीजिए ये अर्थ है थोड़ी देर के लिए, वैसे तो जुपिटर है, अर्थ नहीं, कौन है? सैटर्न। सैटर्न, सॉरी, अरे ठीक है, कोई भी है प्लैनेट। इसके चारों तरफ बेटा बाकी प्लैनेट्स अगर रिवॉल्व कर रहे हैं तो बेटा वो किसकी वजह से रिवॉल्व कर रहे हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। क्यों? क्योंकि इस प्लैनेट के सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रही है। क्या लग रही है बेटा? एक
फोर्स लग रही है, ठीक है। तो जितने भी प्लैनेट्स किसी अदर प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करते हैं तो वहां पर कौन सी फोर्स लग रही होती है बेटा, सेंट्रिपिटल फोर्स लग रही होती है, ठीक है। जरा देखो ये बाइक वाला एक सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है, लेकिन इसकी बॉडी देखो मूव कर गई, बेंड कर गई नीचे, क्यों? क्योंकि इसकी बॉडी की जो फोर्स है वो किस तरफ लग रही है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ दिस सर्कुलर पाथ, और इस फोर्स का बेटा क्या नाम है, सेंट्रिपिटल फोर्स। ये हमने मोशन में भी पढ़ा था, ठीक है। ऐसा ही बेटा देखो इधर, या आपने ऐसे स्विंग्स वाले जो ये जो झूले वगैरह रहते हैं, हैं वो बेटा क्या करते हैं, सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं। अगर बेटा ये जरा सा भी टूट गए तो परपेंडिकुलरली आप मूव कर जाओगे इधर की तरफ लेकिन बेटा इनमें जो धागे बंधे हुए हैं इनकी तरफ एक फोर्स लगती रहती है टूवर्ड्स दी सेंटर, और इसीलिए सारे के सारे मूव करते हैं एक सर्कुलर पाथ पे। तो पूरा का पूरा प्रेशर यहां सेंटर पे पड़ रहा है, क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा आगे बढ़ते हैं बेटा।